सामूहिक दुष्कर्म व हत्याओं से देश और समाज आखिर कब तक शर्मसार होता रहेगा? ऐसी घृणित वारदातों के बाद देश की लगातार बिगड़ती छवि के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? कब तक सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रहेंगी? क्या दबंगों के दिलों में कानून के नाम का कोई खौफ नहीं है? दबंग गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस बाद में आकर मामला दर्ज करती है, फिर कई सालों तक तो केस कागजों और कोर्ट में घूमता रहता है। इन हैवानियत की घटना को अंजाम देने वाले हैवानों में क्या दिल नहीं होता जो ऐसी घिनौनी वारदातों को अंजाम दे देते हैं? ऐसा ही एक गैंगरेप का मामला यूपी के रामपुर से हमारे सामने आ रहा है। यहाँ एक ईंट भट्टे पर काम करने वाली युवती के साथ दबंग युवकों ने हथियारों के बल पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वे हवान आसानी से फरार हो गए। पुलिस ने युवती व उनके परिजनों की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वारदात थाना शहजाद नगर क्षेत्र की है, जहाँ हैवानों ने ईंट भट्टे पर काम करने वाली युवती की हथियारों के बल पर आबरू लूट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए शाहबाद सरकारी हॉस्पिटल भेजा है। वहीं पुलिस तीनों आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। जिंदाबाद थाना शहजादनगर में कोई गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है? हाँ, पटवाई क्षेत्र की एक पीड़िता ने आज शिकायत की थी। इस सूचना पर मैं भी और एएसपी साहब भी गए थे। महिला ने और उसके पिता ने ये बताया कि शहजाद नगर क्षेत्र में तुमड़िया भट्टे पर वो काम करते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। उनसे जो तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है। विवेचना की जा रही है। तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने अभियोग लिखाया है। अच्छा, ये पूरा मामला गैंगरेप से गैंगरेप है पूरा या? हाँ, चूंकि तीन लोगों के खिलाफ है तो 376 DIPC में अभियोग पंजीकृत है और उसी में विवेचना की जा रही है। अच्छा, इससे पहले भी इनने शिकायत करी थी? हाँ, इस घटना के बारे में इससे पहले भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी मौके पर गए थे और जब इनसे अभियोग लिखाने की बात आई थाने पर, उस समय मैं भी पहुंच गया था। कैमरा के सामने इन्होंने बयान दिया था कि इनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। एक लिखित तहरीर भी उस समय इन्होंने दिया था, जो उस समय थाना प्रभारी ने रोजनामचा आम में शामिल कर ली थी। चूंकि उस समय इन्होंने कोई बात अपने साथ कोई अपराध होने की सूचना नहीं दी थी, इस नाते अभियोग नहीं पंजीकृत हुआ था। आज जब इन्होंने अभियोग पंजीकृत होने की सूचना दी और उसे तायिद भी किया, इन रिटर्न दिया, तो तत्काल अभियोग पंजीकृत करा लिया गया, क्योंकि महिला से संबंधित मामला है और मेडिकल करा दिया गया है। विवेचना की जा रही है, अज्ञात लोगों का पता लगाया जाएगा। साक्ष्य के क्रम में त्वरित कार्यवाही JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।